आज का हमारा टॉपिक है कोयल स्पेन फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर सिंक्रोनस मशीन में यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है सो टू गेट फुल इंफॉर्मेशन वॉच द वीडियो कंटिन्यू कोयल स्पेन फैक्टर को समझने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझेंगे इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स पोल पिच पोल पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव मैग्नेटिक पोल्स इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर मतलब सपोज यहाँ पर दो कंसिक्यूटिव मैग्नेटिक पोल्स है दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको पोल पिच बोलेंगे दैट इज डिनोटेड बाई वाई पी जो वाई पी है वो ऑलवेज वन एटी डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है एज वी नो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू इंटू थीटा मैकेनिकल यहाँ पे जो पी है वो नंबर ऑफ पोल है सपोज नंबर ऑफ पोल यहाँ पे फोर है एंड थीटा इलेक्ट्रिकल अलवेज वन एटी डिग्री रहता है सोल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट टर्म है कोईल स्पैन और कोइल पिच That is denoted by YC. Coil span or coil pitch is the distance between side conductor of the coil in terms of armature conductor. If we have single turn of coil, to तो is portion ko side conductor bolenge and is portion ko back connection bolenge तो इन दोनों side conductors के बीच का जो distance रहता है, उसको coil span और coil pitch बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो distance है, वो meter में नहीं होता है। वो इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होता है सपोज फर्स्ट कंडक्टर का नंबरिंग वन है एंड सेकेंड कंडक्टर का जो नंबरिंग है वो एट है देन वाई सी इज इक्वल टू एट माइनस वन इज इक्वल टू सेवन तो यहाँ पे जो कोयल स्पेन का वैल्यू होगा वो सेवन होगा हमारा नेक्स्ट टर्म है फुल पिच कॉल वैन पोल पिच वाई पी इज़ इक्वल टू कोयल स्पेन वाई सी

वेन कॉल पीच इज लेस देन पोल पिच मीन वाई सी लेस देन वाई पी देन इट इज नोन एज शॉर्ट पिच कॉल जब कॉयल पिच पोल पीच से शॉर्ट और लेस रहता है तो इसके कारण एक एंगल डेवलप होता है दैट इज डिनोटेड बाई अल्फा एंड अल्फा इज द शॉर्ट पिच एंगल जो कि इलेक्ट्रिकल डिग्री में होता है फेजर डाइग्राम फॉर शॉर्ट पिच क्यल E1 को अगर रिफरेंस सपोज करेंगे तो E2 जो है वो अल्फा डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा फ्रॉम E1। एंड इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी रिजल्टेंट ई एम एफ ई आर अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस एंगल विल बी अल्फा बाई टू बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन एंड ई टू इज सेम नाउ हम लोग ट्रेंगल ओ सी ए को देखेंगे एज वी नो कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच तो थीटा के जगह पर अल्फा बाई टू पुट करेंगे सो कोस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ ए सी इज इक्वल टू ओ ए कोस अल्फा बाई टू ओ सी इज इक्वल टू ई कोस अल्फ़ा बाई टू यहाँ पर ओ ए के प्लेस पे ई e को पुट कर रहे हैं बिकॉज ओ ए का मैग्नीट्यूड ई e है बोथ साइड टू से मल्टीप्लाई करेंगे देन टू ओ सी इज इक्वल टू टू ई कोस अल्फ़ा बाई टू यहाँ पर टू ओ सी के जगह पे हम लोग ई ER आर पूट कर सकते हैं क्योंकि ओ सी एंड सी बी का जो डिस्टेंस है वो सेम है और यहाँ पे टू ओ सी बोल रहा है तो उसको हम लोग ओ बी लिख सकते हैं और ओ बी क्या है ई आर दैट इज रिजल्टेंट ई एम एफ इसलिए यहाँ पे टू ओ सी के जगह पे हम लोग ई आर पुट कर सकते हैं सो ई आर इज इक्वल टू टू कोस अल्फा बाई टू तो फाइनली अब हम लोग कॉल स्पेन फैक्टर को देखेंगे दैट इज डिनोटेड बाई के सी सो कॉल स्पेन फैक्टर इज डिफाइंड एज ई एम एफ ऑफ शॉर्ट पीज कॉयल अपॉन ई एम एफ ऑफ फुल पीच क्वाइल तो शॉर्ट पीस एंड फुल पीज क्वाइल का जो ई एम एफ है हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो दोनों को यहाँ पे पूट करेंगे देन के सी इज इक्वल टू टू ई कोस अल्फा बाई टू अपॉन टू ई टू ई टू ई कैंसिल आउट हो जाएगा देन के सी इज इक्वल टू कोस अल्फा बाई टू वेरकेसी इज कोयल स्पेन फैक्टर तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें